बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 90% से ज़्यादा लोग जो किसी किस्म का कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला सवाल होता है कि कितना इन्वेस्ट करें और कितनी अर्निंग होगी। वाईफाई का बिज़नेस शुरू करने वाला भी यही पहला सवाल करता है कि उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो माहाना कितना कमा सकता है। मैंने सैकड़ों वीडियो देखी हैं, उनमें आपको सर्वर बनाने का तरीका बताया जाएगा या एंटीना कौन सा लगेगा, कौन सी डिवाइस को कौन सा एंटीना लगेगा, किस डिवाइस की रेंज कितनी है, मगर वो अलग अलग कोई अपने तरीके से समझाएगा, कोई अपने तरीके से समझाएगा। कभी भी मुकम्मल पैकेज आपको मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे तो नहीं मिला। मैंने भी कोशिश की थी कि ये सारा पैकेज, ये पूरा कोर्स एक ही जगह पे मुझे मिल जाए। कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल के मुतलक पढ़ाता है, कोई सिस्को नेटवर्किंग की तरफ जाता है, कोई सिर्फ वायरलेस के मुतलक बताता है। इस कोर्स में डिफरेंट क्या है? इस कोर्स में डिफरेंट है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक वाईफाई नेटवर्क बनाने और उसको चलाने का तरीका बताया जाएगा। इस कोर्स में कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं होगी, इसमें सिंपल थ्योरी का इस्तेमाल किया जाएगा आसान अल्फाज में, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर आपको किसी किस्म की थ्योरी या हिस्ट्री मालूम करनी हो तो आप जाएं गूगल में, जस्ट टाइप करें, जैसे DSL टाइप कर दें तो वो आपको फौरन ही बताएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये कब से है, किसने इसको ईजाद किया, ये कौन सी जनरेशन चल रही है, बला बला बला। मैं आपको बिल्कुल उसी तरह सिखाने की कोशिश करूंगा जिस तरह मेरे टीचर इंजीनियर मोहम्मद आज़म भट्ट साहब ने मुझे सिखाया। ये कोर्स मैं अपने उस्ताद मोहतरम आज़म भट्ट साहब को डेडिकेट करूँगा, और जो दोस्त इस कोर्स को मुकम्मल सीखना चाहते हैं, उनको शौक़ है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कमेंट की रिप्लाई में उसका जवाब दूँ। अगर जवाब लंबा होगा तो उसके बदले मैं पूरी एक और वीडियो बना के दूँ। और हाँ, एक अहम बात, मेरे इस कोर्स को ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ना देखें तो बेहतर है, बिला वजह डिसलाइक या बैड कमेंट करने की जहमत से बचेंगे। उन दोस्तों को मौका दें जो नेटवर्किंग या तो बिल्कुल नहीं जानते या कम जानते हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो मिलते हैं लेसन नंबर 1 के साथ। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त फयाज़ अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।